नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। खबर है त्रिवेदीगंज से। पूरा मामला है बाल विकास परियोजना कार्यालय का, जहां पर दो दिन से पूर्व रामपुर मांजरे सराय पांडे की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अरुण कुमारी को बैठक में आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे, जिसके विरोध करने पर महिला ने मारपीट करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने पर शिकायत की थी। फिलहाल अभी तक शिकायत पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। वहीं त्रिवेदीगंज संघ ने आज बैठक कर अरुणा कुमारी को न्याय दिलाए जाने के लिए सबकी सहमति ली है, जिसमें संघ अध्यक्ष मंजूलता ने बताया कि हम सभी अभी तक चुप थे, हम अपनी बहनों पर अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। वहीं पूर्व अध्यक्ष श्यामा देवी ने बताया कि जो अरुणा कुमारी के साथ CDPO कमलेश यादव ने जो किया वह बड़ा ही निंदनीय है, इसीलिए हम सभी बहनें इकट्ठा होकर मोर्चा खोलेंगे, इन पर मुकदमा दर्ज करवाकर हमारे ब्लॉक से हटाया जाए। यहां पर मांगों को लेकर हुई चर्चा और अगर कार्यवाही नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजनारायण जी। ये अरुण कुमारी के हस्बैंड है और ये श्राम पांडे तृतीय आंगनबाड़ी में कार्यरत है। उस दिन बैठक में आपके साथ क्या हुआ था? जी, हम तो थे नहीं, मतलब वाइफ थी और जो लोग थे वो बता रहे थे, मतलब वो जो अभद्र व्यवहार CDPO द्वारा हुआ है, हम थे तो बाहर थे। क्या मारपीट हुई है? जी, मारपीट हुई, मतलब CDPO जो धक्का मुक्की किया है, गाली गलौज किया है और जान मार के मतलब मारने की धमकी भी दी है। और अभद्र व्यवहार, आपने शिकायत की है? जी, शिकायत थाने में मतलब रिपोर्ट एप्लीकेशन दिया है, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं हुई? जी, दर्ज नहीं हुई है। तो अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, 112 नंबर डाल किया और 1090 डाल किया, रिपोर्ट अगर नहीं दर्ज होगी तो आप क्या करेंगे? जी, आप रजिस्ट्रिंग पास मतलब जाएंगे, उनको एप्लीकेशन देंगे, PCO को देंगे, मतलब भाई जब आगे बढ़ना तो है, मतलब जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये जो अभद्र व्यवहार हुआ है इसको हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय, क्या चाह रहे हैं? न्याय मिलना चाहिए, जो गलत हुआ है इसका जो है सही तरीके से इसका जो है अब FIR दर्ज करावे और उसका न्याय दिए। मेरा नाम शनील जहाँ है, मैं आंगनबाड़ी हूँ और जो 11 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग रखा था सीनियर कमिश्नर ने, उसमें हम लोग गए हुए थे, काफ़ी आंगनबाड़ी वर्कर हमारी आई हुई थी और उसमें जो है हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं अरुणा कुमारी, उनके साथ में CDPO सर द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उनको धक्का मुक्की की गई, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। उन्हें जिला अस्पताल यहाँ त्रिवेदीगंज लाया गया, जहाँ उन्हें रेफर किया गया जिला अस्पताल के लिए। हम लोगों की मांगे मेन यही हैं कि हमारी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अरुण कुमारी हैं, उनको न्याय मिले और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ में अच्छा व्यवहार हो और उनको उनका CDPO सर का जो है तबादला हो। हमें जो है लेडीज सुपर जो है अधिकारी चाहिए यहाँ पर। तो क्या इनके साथ आप काम करने में संतुष्ट नहीं हैं? सर, इनके साथ में काम करने में हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्या चाह रहे हैं इनको? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ये सुपरवाइजर हटाए जाएँ, CDPO सर हटाए जाएँ और महिला कर्मचारी हमें दिए जाएँ। ओके।